ये वो अखिलेश प्रताप को हम उसको एक चुनौती दे रहा है। आप बोलता है कि वो लोग पैदल नहीं जा रहे, गाड़ी में जा रहे बोल के आप बोलता है, तो यहाँ से हम लोग ये बिहार आपका यूपी तक पैदल गया है। आप उसको आदमी बीमार हो के एम्बुलेंस में जाने वाला को आप बोलता है वो पैदल नहीं गया, ऐसा ऐसा बोल के तुम बोल रहे, तो तुमको हम हमारा अरुणाचल वाले आपको एक चुनौती दे रहा है, आप यहाँ आओ। आप सिर्फ हम लोग तो 2000 किलोमीटर आप जाओ नहीं बोल देगा, आप 500 किलोमीटर जाके दिखाओ, यहाँ आके आप पैदल मार के दिखाओ, फुट मार्च करके दिखाओ, तब हम लोग मानेगा आप सच्चा इंसान है। शुरू से लेके अभी तक तो उस विषय में टीवी में देख रहा है, मोबाइल में, सोशल मीडिया में देख रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कुछ सोल्यूशन डिसीशन देने का उन लोगों का साइड से कुछ कर ही नहीं रहा है। मेरा हिसाब से अरुणाचल का गवर्नमेंट डीप इन डाम गवर्नमेंट है, हम पहले भी बोला है, किसी का बात सुनता नहीं है। ये अरुणाचल गवर्नमेंट बोले तो अरुणाचल का गवर्नमेंट का अंदर में एक चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर जो है सब पब्लिक का पिताजी होता है, सब पब्लिक का पिताजी होता है। जो पिताजी होने का नाते जितने भी हम लोग का यहाँ संगठन है और उनका बेटा होता है कि कुछ ना कुछ किसी डिपार्टमेंट का या कहीं गलती होने से उसको करेक्शन करने के लिए वो लोग संगठन बनाता है, चाहे यीशु सही हो या गलत हो, उनका ड्यूटी बनता है, उसका उसका कर्तव्य बनता है कि वो जो कोई भी संगठन आवाज़ उठाएगा उसका अगेंस्ट में या गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, तो वो सबको बुलाना है, उनका ऑफिस में बुलाना है, बुला के उन लोगों को समझा बुझाना है कैसा है क्या है भाई ये क्या चीज़ है, तो वो कभी बुलाता नहीं है। हम लोग भी लास्ट 2-3 ईयर्स बैक इतना हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है और रिप्रेजेंटेशन का अभी तक हम लोग का कुछ खबर नहीं है, ना CM का गमंडी का वजह से होता है, ना CMO का लोग उसका मिसगाइड का मिसप्लेस का वजह से होता है CM ऑफिस का, और उनका प्राइवेट सेक्रेटरी लोग OSD का ये आपका चीफ मिनिस्टर एडवाइज़र लोग का गलती का वजह से हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। और ऐसा कभी दोरजी कांडू समय में तो पब्लिक दरबार ना कुछ बोल के इतना पब्लिक लोग को लाइन लाइन मिलता था, दुख तकलीफ को सुनता था, बात को सामने में रखने देकर वो सुनता था किसा क्या है। अभी तो ये गवर्नमेंट में सच में बोलने से किसी का बात सुनने का ये नहीं है, तो गवर्नमेंट तो हम लोग तो ये किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल व्यक्तिगत का इंडिविजुअल में किसी को हम लोग अगेंस्ट नहीं बोल सकता है। हम लोग गलत को जो सिस्टम है उसको सही करने के लिए हम लोग उसको करेक्शन कर रहा है, तो उसको भी वो लोग सोचेगा कि उन लोग का अगेंस्ट में बोल रहा है, अगेंस्ट नहीं है हम लोग, अगेंस्ट तोरी ना MLA मिनिस्टर है ना हम लोग कुछ उन लोग का अगेंस्ट में अभी गवर्नमेंट बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत कर रहा है उसको सही बनाने करने के लिए हम लोग का जो एक संगठन लोग कुछ कुछ इशू बनाता है, तो हर हमारा जैसे कि ऑल अरुणाचल रजिस्टर कंट्रक्टोरेशन, हम तो अपना रजिस्टर कंट्रक्टोरेशन का इंटरेस्ट के लिए तो काम करेगा, अगर मेमोरेंडम कुछ मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग करता है या कुछ भी रिप्रेजेंटेशन देता है तो वो तो अपना हमारा जो रजिस्टर कंट्रक्टोरेशन का इंटरेस्ट के लिए तो हम करेगा, हर संगठन का हुई अपना अपना ये मौतों को लेके अपना वो मोटिव को लेके वो संगठन लोग इशू बनाएगा, उसको संभालना उसको समझाना बुझाना वो एक पिताजी का नाते उसका ऊपर डिपेंड करता है, और किसी को मिलता नहीं मिलेगा तो कौन गुस्सा नहीं होगा, पिताजी बचा रहेगा तो पिताजी क्या रो क्यों रोता है वो तो पूछना पड़ेगा ना, कभी पूछने का नाम निशान नहीं है, वो तो पागल है और शायद UP का पागल कहना से कल परसों निकला होगा शायद, हमें लग रहा है कोई भी UP में इतना आपका मीडिया है, एक भी मीडिया आके आप गलत कर रहे नहीं बोल रहे ना, ओ हम लोग को तिरंगा बारे में क्या क्या बारे में आके हम लोग को इतना ये फुट मार्च करने वाला डिस्करेज करता है, ये अरुणाचल का ये ग्राउंड ये को वो जानता है क्या, वो ग्राउंड लेवल यहाँ अरुणाचल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो कुछ भी जानता नहीं, कोई बोल दिया होगा यहाँ से फ़ोन कर दिया होगा तो ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब करो, अरे वो दो आदमी एक मीडिया और वो दोनों घूम घूम के इतना आदमी को इतना डिस्टर्बेंस करता है,
तो ऐसे आदमी को हम लोग ध्यान नहीं देना चाहिए, और उसको हमारा अरुणाचल का जितना भी ये है वो पब्लिक से उसको ध्यान भी नहीं देना चाहिए। वो हम लोग को कुछ अफेक्ट, वो जो भी कर रहा है अभी तो जो तको सितल और उसका ACC ग्रुप जो वो AAC ग्रुप जो अभी जो पुत मार्चिंग कर रहा है, वो पहले शुरू शुरू में यहाँ में तुंटे देश बेच के उन लोग डिमांड जो था चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना है। तो हम लोग सोचा चीफ मिनिस्टर को रिजाइन हो, इतना जस्टिस नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रहा है इतना ग्राउंड ना। तो अभी धीरे धीरे उपत मार्च करते करते अभी उन लोग का मुँह से थोड़ा मीडिया में बोल रहा है कि यहाँ में ED और CBI को यहाँ लाना है, रिकमेंड करना है। तो उसको सुन के तो हमको सही लगा, अरे CBI ED तो एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं, चीफ मिनिस्टर को सिर्फ नहीं है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देने से आने दो बोला है, वो तो नहीं होता है ना, रिकमेंड वो करना पड़ेगा ना, सीएम जो रिकमेंड करना पड़ेगा तब जाके ना CBI यहाँ आएगा। तो ED यहाँ आना आके भी यहाँ में एक दो दिन में आदमी को पूरा करप्शन वाला को पकड़ के ले जेल लगाएगा, ऐसा बात नहीं है ना। यहाँ ऑफिस सेटअप करेगा और अपना काम सिस्टम करने में 10-15 साल या टाइम लग जाएगा ना। तो उसको दाढ़ी आके इतना क्यों डरता है, गलत नहीं करता है, नहीं भी डरना है। सारा ये मिनिस्टर MLA लोग सब बाहर में निकल के इतना एक औरत का अगेंस्ट में इतना हल्ला कर रहा है, अरे भाई आप इतना डरता है तो करप्शन भी क्यों करता है, अगर आप करप्शन नहीं किया है तो फिर डरता क्यों है, वो औरत का पीछे पीछे क्यों बोलता है। आप तो उसको निगोशिएट करना हो या बात करना हो तो यहाँ में तुंटे देश बेहता था, उसमें अच्छा से बात करके सुझाव देना था चीज़ को। तो इसलिए अभी हमारा वही है कि यहाँ में भी देखा था लेकिन रीजन का बात कर रहा था, उसको हम लोग इतना सही नहीं माना था। लेकिन अभी जाते जाते रास्ता में ED और CBI का बात बोल रहा है तो हम लोग उसका साथ में है। वो तो क्योंकि वो किसी ना चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, हम लोग ऐसा नहीं है, ये करप्शन का अगेंस्ट में है। करप्शन हर कोई व्यक्ति जो भी करेगा उसको पकड़ना ही है और कानून कार्रवाई करना ही है। तो एक किसी का ये इंडिविजुअल नहीं है, वो लोग डरना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। असली बोलने से ऑफिसर लोग सब जाएगा भाई हिसाब से, उन लोग तो इतना कास भी नहीं होगा, डरने के लिए ज़रूरी भी नहीं है। ये तो मेरा हिसाब से अगर पंचायत में कुछ घोटाला हुआ उसका तो सही माना, और इतना एक व्यक्ति जो यहाँ 30 ईयर्स एबव से यहाँ मिनिस्टर MLA बन के बैठ रहा है, हाँ अगर वो बिजनेस भी अगर उसका साथ उसका कुछ डॉक्यूमेंट कुछ मिला है तो FIR करो उसका अगेंस्ट में, या वो कानून कार्रवाई करो। आपका इंडिविजुअल पर्सनल अगर कुछ मेहतर है तो अपना पर्सनल में भी ले जाओ, लेकिन सोशल हम लोग पब्लिक उसको तो साथ देने का लायक काम नहीं किया। क्यों आदमी जिंदा आदमी को क्यों मरा है बोल के फूल डालता है, ये तो बहुत खराब काम है, गलत काम है, उसको तो हम निंदा करता है। मेरा तरफ से, मेरा यूनियन एसोसिएशन का तरफ से हम उसको निंदा करता है, वो तो गलत काम है। जो भी आप करप्शन हो उसका ऊपर में कुछ भी करप्शन एलिगेशन किया या कुछ गलत है, आप कानून का कार्रवाई कीजिए, जो भी करना कीजिए। लेकिन जिंदा आदमी को मर गया बोल के फूल लगा के घूमना, वो तो सबसे संसार का गंदा काम है। और काल को वो नहीं मरेगा क्या, जो किया वो भी मरेगा ना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति का वो ये में अगेंस्ट में मर गया बोल के जिंदा आदमी को, वो हम उसको निंदा करते हैं। ये वो अखिलेश प्रताप को हम उसको एक चुनौती दे रहा है। आप बोलता है कि वो लोग पैदल नहीं जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है बोल के आप बोलता है, तो यहाँ से हम लोग ये बिहार आपका UP तक पैदल गया है। आप उसको आदमी बीमार होके एम्बुलेंस में जाने वाला को आप बोलता है वो पैदल नहीं गया, ऐसा बोल के तुम बोल रहे, तो तुमको हमारा अरुणाचल वाले आपको एक चुनौती दे रहा है। आप यहाँ आओ, आप सिर्फ हम लोग तो 2000 किलोमीटर आप जाओ नहीं बोल देगा, आप 500 किलोमीटर जाके दिखाओ, यहाँ आके आप पैदल मार के दिखाओ, पुत मार्च करके दिखाओ, तब हम लोग मानेगा आप सच्चा इंसान है। आप ऐसा पागल कुत्ता ऐसे भुगता है, इतना परेशान करता है आदमी को, इतना दुख तकलीफ में, इतना टेंशन में, इतना प्रस्ट्रेट में, इतना धूप में, बारिश में भीग भीग के उधर आदमी जा रहे हैं, आप अच्छा से स्वागत करने का जगह में, अच्छा से सहायता साथ देने का जगह में आप इतना आदमी को प्रस्ट्रेट कराता है, तो ऐसा इंसान हम जिंदगी में सोचता नहीं, वो भूत है, वो इंसान नहीं है, वो इसको हम इंसान नहीं मानता है। थैंक यू। बिल्कुल हम वीडियो देखा है, पर हमको ये इंसान को हमको लगता है ये जहाँ तक हम लोग यहाँ अभी अरुणाचल वाला हम लोग देख रहा है ये बिल्कुल मान गलत बोल रहा है, जबकि वो अरुणाचल में कभी आया था नहीं आया था हो जाने हैं, लेकिन हम लोग को अरुणाचल वाला लोग का क्या प्रॉब्लम है, यहाँ में क्या हो रहा है, वो कुछ ABC मालूम नहीं हो, हवा में पागल कैसे बक 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 कर रहा है,
और ऐसे शर्म, वो इसको तो शर्म भी करना चाहिए कि एक यहाँ से जो देखो इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ में कोई भी बात को कोई भी रख सकता है, जो अपना जैसे एक प्रॉब्लम को ये कर सकता है, जो अपना हक को लड़ सकता है। लड़ने वाला चीज़ को कौन होता है वो डिस्टर्ब करने वाला? अरे जो अपना ये का वो जब यहाँ का गोमिनी ये कर रहा है, डिस्कशन सही से नहीं कर रहा है, तो जब कि ऐसे प्रॉब्लम होता है घर का प्रॉब्लम, तो उसको डिस्कशन करना चाहिए। करता नहीं है, किसी का बात सुनता नहीं है। वो जितना भी कितना हम लोग का एसोसिएशन भी काफ़ी बार हम लोग मेमोरेंडम भी सबमिट किया है, कभी जवाब ही नहीं आया अपॉइंटमेंट के लिए। तो इस टाइप का अगर वो गवर्नमेंट का अब ये करने से आपका वो स्पेशली अभी चेयर में जो पेमा खांडू ये जो सी एम ऑनरेबल जो कर रहा है, तो इस टाइप का पब्लिक को कोई ये नहीं है। मतलब सिर्फ सीएम बनेगा ऊपर ये में वो ये कहले एमएलए लोग ये कहले हाई लेवल पार्टी के लिए ऑफिसर लोग कहले, और ये हम लोग का ये आम जनता लोग तो कभी कितना एसोसिएशन ये लोग है उसको कभी मिलता नहीं है। तो इस टाइप का दुनिया भर का हम लोग का प्रॉब्लम है। तो अखिलेश वो क्या वो कुछ जानता ही नहीं, हवा में ऐसे बोल रहे हैं और बेकार में। हम तो इतना दुख भी लगा है हमारा यहाँ का अरुणाचली ये को एक सोशल एक्टिविटीज़ को ये सितल में दम को अभी ये फिलहाल वो जो हरकत इस माने इस टाइप का एरोगन से माने दम की इतना रफ ये वर्ड से जो क्वेश्चन किया है हमको देख के अच्छा नहीं लगा, दुख लगा है। और मेरा हिसाब से तो ऐसे आदमी को तो वो ये करना चाहिए, वो हम लोग को ये हम लोग तो मानता है ऐसे आदमी को तो ये हम जहाँ तक कुछ जानता नहीं है, भोगने वाला इंसान है, तो ऐसे तो ऐसे इंसान को तो हम लोग ये माने अरुणाचल में भी आएगा बोलता आप आइए, लेकिन आने से भी आपको तो हम लोग यहाँ का पब्लिक लोग आपको मानता है, आपको सही इंसान है, आपको कुछ आप कुछ जानता ही नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये है वो है ये है कि अरुणाचल का बारे में? तो इसलिए आपसे हम ये आपका ये से मैं मीडिया का माध्यम से ये करना चाहेगा, आप प्लीज़ आप जहाँ तक मत बोलिए, अरुणाचल भी हम मानता है ये भारत का अंग है, यहाँ में हर किसी को ये करना, हम सब भारतीय है तो हम सबको ये करना माने हर किसी का ये का व्यू को रखना वो ये है माने इसके स्पष्ट ये हम मानता है। पर भी ऐसे नहीं है कि आप कुछ नहीं जान के, आप जैसे कि एग्जांपल में मान लो मैं वो आपका वो दूसरा स्टेट का बारे में हम कुछ नहीं जानते उसका बारे में हम क्या बोलेगा? जब आप जानते हैं तो बोलिए, नहीं तो ऐसे जहाँ तक बोलना भी हम लोग इसको सही नहीं मानता है। और बिल्कुल हम लोग माने ये बात को बहुत मतलब ये करता है, इसको मतलब ये करता है, दुखद है, ऐसे इसको बोलना नहीं चाहिए। थैंक यू।